बिल्कुल, अब फाइनल आंकड़ा, फाइनल आंकड़े का वक्त हो चुका है और इसके साथ ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी गुजरात की, जिसका दावा बीजेपी कर रही है उसके कितने करीब वो पहुंचती हुई, क्योंकि तीन रीजन के आंकड़ों के साथ ही सरकार कम से कम बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। मध्य गुजरात का आंकड़ा क्या कहता है आपको ये भी बताते चले, दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों के लिहाज से ये नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बारी है मध्य गुजरात की, मध्य गुजरात का पिटारा जैसे ही खुलेगा और यहां पर आपके सामने है 47% वोट शेयर बीजेपी को और यहां पर 42% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। मध्य गुजरात की 40 सीटों का यह है एग्जिट पोल और हम आपके सामने रख रहे हैं दोपहर 2 बजे तक की तस्वीर, क्योंकि फाइनल आंकड़ा एबीपी न्यूज आपको दिखाने वाला है आज रात 8 बजे। ये वोट शेयर 47% के साथ नंबर वन मध्य गुजरात में भी बीजेपी, जबकि नंबर टू कांग्रेस पार्टी 42% वोट शेयर के साथ। और अब सीटों के जरिए जाने, 21 से 27 सीटें, 40 में से 21 से 27 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बहुत ज्यादा पीछे यहां पर कांग्रेस पार्टी 13 से 19 सीटों के साथ नंबर टू पर खड़ी हुई है और ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम। और इसके साथ ही 40 सीटों का एग्जिट पोल मध्य गुजरात का आपके सामने आ चुका है और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब की बार बीजेपी की सरकार गुजरात में एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। औसत मध्य गुजरात की 40 सीटों के एग्जिट पोल का औसत देखिए, 24 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, 24 सीटों के साथ मध्य गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे खड़ी हुई। और अब पूरी तरह से यह तस्वीर साफ हो जाती है कि गुजरात में 2017 के चुनाव में भी मोदी का मैजिक भारी पड़ गया है राहुल गांधी पर और बीजेपी बिल्कुल आराम से सरकार बनाती हुई मध्य गुजरात में बीजेपी को बढ़त। मध्य गुजरात की यह तस्वीर साफ करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चारों रीजन में बढ़त के साथ अपनी सरकार बना रही है गुजरात में। एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हम दे रखे हैं, आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 में पहली बार जब मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो सबसे ज्यादा 127 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। 2007 में उसे मिली थी 117 सीटें, 2012 में उसे मिली थी 115 सीटें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।